जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। सुशीतल चांदनी से परिपूर्ण दिवा रात्रियों का अपना ही वैशिष्ट है। एक और अपनी रागपूर्ण भावनाओं का सत्कार रसिक हृदय वन्य निकुंजों में कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं रागपूर्ण भावनाओं में भरे नौका में बैठे श्याम स्वरूपिणी श्री यमुना की सरस क्रोड़ में विहार रत हैं। इन्हीं में विहार रता पूज्या श्री उषा जी की मनस्थिति उन्हीं के शब्दों में सुनिए। उषा दीदी कहती हैं, उस रात को नाव में बहुत अच्छा अच्छा लगता रहा। कई बहनों ने पद सुनाए, रात्रि की इस नीरवता में चंद्रिका स्नात इस यमुना पुलिन पर चमकते रजकणों को देख पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है मन। यह सुभग तटीय स्थली रास रस विहार की साक्षी है। कालिंदी की लोल लहरियां अपने सौभाग्य की स्मृति में आलोड़ित हो रही हैं। चंद्रिका ने आज पुनः इनका श्रृंगार किया है, इसी भाव में तन्मय हो इठला रही है। तटीय वृक्षों की स्तब्धता देख लगता है रोमांचित पुलकित यह वृक्ष वल्लरियाँ किसी भाव में भरी तन्मय हो रही हैं। ओह, यह सुभग स्थल, यह मनोहर दृश्य, यह दिव्य वातावरण सजीवता से भरे दे रहा है, परिपूर्ण किए दे रहा है। यह परिपूर्णता क्या है, इसका वर्णन कौन कर सकता है भला। परिपूर्णता को आंकना, आंक कर कहना किसी के भी वश की बात नहीं है। इसी परिपूर्णता का आस्वादन करती किसी प्रगल्भा ने समीरीण को संबोधन कर कहा, ओह, अवश्य ही तू उनके संस्पर्श से बोराई सी डोल रही है। उनका संस्पर्श पाए बिना क्या कोई यूं इतरा सकती है। इसी बावरेपन में तू मुझसे आ लगी है, या फिर उन रसोन्मादी प्रियतम ने ही तुझे मदन संदेश देकर पठाया है। किसी अन्य प्रणयमत्ता ने नील गगन को देखकर कहा, ओ नील गगन, तू स्तब्ध सा विस्मित सा क्यों हो रहा है। अवश्य ही तूने हमारे प्रियतम को किसी प्रेयसी की सन्निधि में प्रफुल्लित देख लिया है। एक को नहीं सभी को अमित सुख देते हैं वे, तू उनके साथ एक को देखकर चकित हो गया है। भला यूं कहाँ तक आश्चर्य करेगा तू। यह बावरापन, उनकी यह सार गर्भित बातें किसी रसिक सुंदर के आगमन में, उनके रस विनिमय में, उनकी सरस अटखेलियों में मंडित हो जाती हैं। वे इनकी सारी इस मद जल्पना को सत्कृत करते हैं अपने शुभ आगमन से, अपने मधुर कौतुकों से, अपनी मधुर केली कलाओं से। धन्य है यह विश्वास जो उन्हीं की सन्निधि हेतु सुदृढ़ होता है और उसी को पा अपनी सफलता से गर्वित हो इठलाता जाता है। इनके अंग अंग दिन रात श्वास प्रश्वास सभी तो अकुलाए रहते हैं। सत्कृत होकर धन्य होकर पुनः पुनः इसी सबकी आवृत्ति के लिए वृंदावन की भूमि अलौकिक है। यहाँ के रजकण दिव्य हैं, यहाँ की प्रकृति अलबेली तो है ही, साथ साथ नित्य परिकर होने के कारण दिव्य हैं। छहों ऋतुएं यहाँ विराजती हैं। प्रिया प्रियतम की इच्छा जान वृंदा देवी उसी ऋतु और तद अनुरूप निकुंजों का निर्माण करती हैं। उनकी इच्छा शक्ति से यह सब सहज हो जाता है। यहाँ क्रम अनुसार ही ऋतुओं का परिवर्तन हो ऐसा कोई नियम नहीं चलता। प्रेमियों के साम्राज्य में नियम भी उन्हीं की इच्छा शक्ति के अधीन हो जाते हैं। प्रेमियों का संसार अटपटा होता है, अतः वहाँ के क्रम भी अटपटे से ही दिखते हैं, परंतु है सर्वथा व्यवस्थित अनुशासित और नियमबद्ध। प्रेमी की राग भरी भावनाओं का प्रवाह प्रेमास्पद की ओर ही गतिमान होता है। उसकी प्रत्येक क्रिया में उसके प्रियतम समाये रहते हैं। उन्हीं के भावापन उन्हीं के सुख में रत, उन्हीं की लीला, उन्हीं की बात, उनके साथ बात,
प्रियतम का हाथ अपने हाथ में लेकर जब सुखद चर्चा का प्रवाह चलता है तो माधुर्य की अनगिन धाराएं आप्लावित करने लगती हैं। अतः हाट बाट घाट पनघट घर बाहर सर्वत्र एक धूम मची है। कहीं नील सिंधु के अंतर में रस बवंडर हिलोरें लेता रहता है, फलस्वरूप उनके अंग अंग में एक चपल तरल विमल थिरकन भरी रहती है। उससे विवश परवश रस विवश हुए वे ब्रज किशोरियों को घेर लेते हैं। वे बचकर निकलने का अभिनय करती हैं, कृत्रिम कोप प्रदर्शन करती हैं, नजर बचाकर बच निकलने का नाट्य करती हैं, पर पकड़ाई में आ जाती हैं। उन नील वारिधि के युग तटों के मदिर बंधन में बंधी वे अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। उस समय के प्रेमातिरेक आनंद अतिरेक से भारी हुए उनके नयन मूंद जाते हैं, पर मुंदे नयनों पर पीयूष वर्षा कर सुधा के यह अक्षय स्रोत पता नहीं उन्हें क्या कर देते हैं। वे अध मुंदे नयनों से इनकी ओर देखती हैं नज़र बचाकर, पर बचने देने का स्वभाव ही इनका नहीं है। उनके अध मुंदे नयनों में इनके रस पूरित नयन भर जाते हैं। चितवन अवलोकन परस्पर उलझ जाते हैं, उस मधुर उलझन में कोटि कोटि कंदर्प मूर्छित हो जाते हैं। वे रस विवश कुमारियाँ सुलझने का उपाय कर पाने में भी असमर्थ रह जाती हैं। बचने का उपक्रम था ही फंसने के लिए, अपना गोरस अमीय रस सर्वस बचाने का संपूर्ण आयोजन था ही किसी के हाथ बिना मोल बिक जाने के लिए। वही हुआ, जब बिक ही गई हो तो अब और उपाय ही क्या है। जैसे नटनागर नचाएं नाचेंगी ही, नाचती हैं ही। हाँ, नाच नाच कर इन चतुर सुंदरियों ने चित चोर को भी खूब नचाया। कैसा है प्रणय का यह साम्राज्य, यहाँ नियमों का बंधन नहीं है, रीति रिवाज की दीवार नहीं, योग याग आदि की परतंत्रता नहीं। किसी भी बाह्याचार का की सीमा में जकड़े जाकर चित्कार करने की आवश्यकता नहीं, पर प्रेम के बंधन से कड़ा बंधन भी दूसरा कोई नहीं है। सभी नियमों का निलय, रीति रिवाजों का समुच्चय, योग याग आदि का आलय है प्रेम का यह सरस पर दृढ़ दुर्ग, जिसमें बंदी होने पर फिर छूटने की चाह ही नहीं होती। प्रेम का पथ ही विचित्र है, प्रेम तथा प्रेम का उच्च आदर्श इन भोली भाली ब्रजांगनाओं का राग और अनुराग में पगा अपने प्रेमास्पद की ओर सुदृढ़ भाव प्रवाह ब्रज में यहाँ की सुरस बीथियों में प्रवाहित होता रहता है। ब्रज की रगमगी भीड़ अपनी सरसीली भावनाओं में भरी इन सघन बीथियों में, ब्रज की वन्य निकुंजों में कहाँ कहाँ नहीं बिखरी रहती। वास्तव में ब्रज कैसा है यह ब्रज। जय श्री राधे, आगे हम कल सुनेंगे कैसा है ब्रज।